हेलो फ्रेंड्स, आज मैं उन लोगों के लिए रोटी बेलने जा रही हूँ जो घर परिवार से दूर रहते हैं और अपनी पढ़ाई करते हैं या नौकरी करते हैं, तो परिवार उनके साथ नहीं होता है तो रोटी की तो दिक्कत होती है, और कभी-कभी ऐसा भी होता है कि बाहर का खाना उन्हें हजम नहीं होता है, इसलिए वो चाहते हैं कि अपने हाथ की रोटी वो खाएँ। तो बनाना तो चाहते हैं बट बना नहीं पाते हैं। कारण ये होता है कि रोटी उनसे गोल नहीं बनती है, अच्छी तरह से फूलती नहीं है, तो कच्ची कच्ची सी रोटी बनती है और बहुत कड़ी रोटी बन जाती है और आड़ी तिरछी बनती है, तो अच्छा नहीं लगता है खाने में। एक स्वाद जो रोटी की होती है वो नहीं मिलता है उन्हें। तो चलिए आज हम एकदम आसान विधि बताने जा रहे हैं। सबसे पहले आटे को 5-7 मिनट जरूर गूंदना चाहिए। इतने देर गूंदने के बाद वो डो जो होता है वो रोटी बनने के लायक होता है। चाहे डो थोड़ा हार्ड हो या सॉफ्ट हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। सॉफ्ट डो वही बनाएं जो बहुत बनाना जानते हैं, बहुत दिन से बना रहे होते हैं, और हार्ड उन्हें बनाना चाहिए जो बिल्कुल अभी नए हैं। तो शुरुआत किसी चीज़ से भी हो सकती है। बढ़िया से डो तैयार कर लें, उसके बाद उसके समान गोले काट लें। उसको एक गोले को फिर से हाथ में, दोनों हाथ के बीच में गोल गोल घुमाएं ताकि वो गोल हो जाए, और फिर उसे सूखे आटे में लपेटें, और लपेटने के बाद किसी लकड़ी की चक्की या चॉपिंग बोर्ड पर रखकर बेलन के सहारे बेलना चाहिए। आटा गूंदने के बाद अब इसकी गोली बना ली, अब इसे सूखे आटे में लपेटना है और उसको चकले पे रखना है। जो लकड़ी की चक्की होती है या चॉपिंग बोर्ड होता है उस पर भी आप बना सकते हैं। मैंने अभी इसे चॉपिंग बोर्ड पे बनाया है। तो इसे सूखे आटे में लपेट कर एक दो बार बेल लें, फिर जब ज़रूरत हो तो इसे सूखे आटे में लपेटें और एक तरफ से प्रेशर देना है और एक तरफ से हल्का पकड़ना है बेलन को और घुमाना है, और जब ज़रूरत हो सूखा आटा लपेटें और उसे उलट पलट कर बेलें ताकि गीला आटा बेलन में ना चिपके, इससे रोटी फटती है। तो इस तरह से आप बेल सकते हैं। देखिए, जितनी बड़ी चाहे उतनी बड़ी रोटी बना सकते हैं, जो आपके तवे के आकार का की भी हो सकती है और उससे बहुत छोटी भी हो सकती है। रोटी बहुत मोटी भी हो सकती है और पतली भी हो सकती है। मैं सब तरह की रोटी बनाकर दिखाऊंगी। ये बड़ी रोटी है, इसे देखें और देखें कि कितना अच्छा बना है, बनी है। तो आप इसी तरह से बनाएं और कोशिश करें। शुरू शुरू में थोड़ी दिक्कत होगी, यदि दिक्कत होती है तो आटा को थोड़ा टाइट गूंदें तो उससे आपको बनाने में आसानी होगी। वो लोई जो है वो आपके बेलन के सहारे घूमेगी। निश्चित है कि एक तरफ से प्रेशर बढ़ाएं और दूसरे तरफ से हल्का पकड़ें। इस तरह से रोटी आप गोल बना सकते हैं। ये मेरी रोटी गोल बन गई है। अब मैं दूसरी रोटी भी बनाकर आपको दिखाऊंगी। अब रोटी तवे पे डालने की बारी है। जो मैंने डाल दिया है, तवा मैंने पहले से गर्म करके रखा था। अब रोटी डालने के बाद इसमें छोटे छोटे से फफोले उठ के आएंगे तो उससे पता चलेगा कि एक तरफ से सिक रही है, और सिकने के बाद थोड़ा सा इसको उलट कर देखना है, और जब ये सिक जाए तो चिमटे की मदद से इसको पलट देना है। ये सिक गई है, देखिए अब इसे मैंने पलट दिया है। अब इस तरफ थोड़ा ज़्यादा सेकना है, तो एक परत इसका हार्ड होगा, एक परत इसका सॉफ्ट रह गया, और जो सॉफ्ट पार्ट है उसको फिर फ्लेम पर डालना है। तो इस तरह से रोटी बनाई जाती है। आप भी बनाएं इस तरह से और देखें कैसे फूलती है। ये दूसरी तरफ भी सिक गई है और अब मैं इसे फ्लेम पे डाल रही हूँ, और देखिए कैसी फूल गई। इसी तरह की रोटी आप बनाएं और खाएं और स्वस्थ रहें।
अब ये मेरी दूसरी रोटी है जिसे मैंने गोल बेल लिया है और इसे तवे पे डाल दिया। इसे भी अब एक तरफ थोड़ा हल्का सेकना है और दूसरी तरफ थोड़ा सा हार्ड। जब ये सिक जाए दोनों तरफ से, देखिए छोटे छोटे फफोले से उठने लगे हैं। अब ये सिक गई है, अब इसको पलट देना है और इसके किनारे दबा दबा कर बढ़िया से पका लेना है ताकि किनारे का पार्ट कोई कच्चा ना रह जाए। कभी कभी ऐसा होता है कि रोटी बीच से फूलती है और किनारे नहीं फूलती है, तो इसके कारण अच्छी नहीं लगती है रोटी, वो कच्ची होती है, पेट खराब होता है उससे। तो ये मैंने अच्छी तरह से सेक लिया है, अब इसे मैं तवे पे डालूँगी। अब देखें ये फ्लेम पर जा रही है, कितनी अच्छी तरीके से फूली है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और जो एक बेल बटन आता है उसे हिट अवश्य करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।